और अब बात करेंगे सितारगंज की, जहां पर पुलिस ने मंत्री और विधायक सौरभ बहुगुणा की हत्या का षड्यंत्र के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है। बता दें कि कोतवाली में विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के जीवन को क्षति पहुंचाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाए थे। वहीं दुबे ने 4 लोगों के खिलाफ में नामजद तहरीर दी थी, जिसमें पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि हल्द्वानी जेल में बैठकर आरोपियों ने कैबिनेट मंत्री की हत्या की योजना बनाई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस की टीमें बनाई गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी हीरा सिंह के साथ एक तांत्रिक के बाद 2 अन्य लोगों को के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि सिडकुल क्षेत्र के सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप में हीरा सिंह के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने हीरा सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हीरा अपनी गिरफ्तारी और खनन का कारोबार बंद होने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जिम्मेदार मानता था। जेल में बंद हीरा की मुलाकात बहेड़ी निवासी सतनाम सिंह से हुई और इसके बाद दोनों ने कैबिनेट मंत्री को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। जमानत पर छूटने के बाद अपने प्लान के अनुसार हीरा सिंह ने सतनाम के परिचित सितारगंज निवासी हरभजन सिंह से मुलाकात की, जिसने हीरा सिंह को किच्छा निवासी तांत्रिक मोहम्मद अजीज उर्फ गुड्डू से मिलवाया। हीरा सिंह ने कैबिनेट मंत्री को वश में करने और रास्ते से हटाने के लिए तांत्रिक को एडवांस के तौर पर 5.5 लाख रुपए भी दिए थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए मंत्री के घर से रेकी भी की थी। हीरा सिंह 3 दिन पहले एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ सौरभ बहुगुणा के घर पर पहुंचा था और मंत्री से रोजगार संबंधी वार्ता भी की थी। इस दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। है कि माननीय मंत्री जी को किसी के द्वारा पता चले कि इस तरह से आपके साथ ये साजिश की जा रही है आपको जान से मारने की, उन्होंने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में जो है हमने FIR किया इनके नाम। ये लोग जो है पैसा दे करके और किसी के थ्रू माननीय मंत्री जी को जान से मरवाना चाहते थे। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है, जो मामला होगा वो सामने आएगा। जो जिसमें माननीय मंत्री जी सौरभ बहुगुणा जी के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रच के उनको नुकसान पहुंचाने के संबंध में FIR पंजीकृत हुआ। इसमें काफी मतलब रिवीलिंग चीजें हमें मिली हैं। काफी पैसा हाथ बदला है और बाहर से कुछ व्यक्तियों को लाने का मतलब प्लानिंग भी चल रहा था। इस संबंध में पूछताछ के बाद जो है हमने 4 लोगों को हमने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर दिया है।